खाने पीने के पैसे नहीं थे ऐसा ऐसा आलम हो गया था ऐसा हाल हो गया था लेकिन ऐसा सक्सेस मिलेगा मुझे नहीं मालूम था स्ट्रीट से चालू किया स्ट्रीट पे खड़े रहते थे बारिश में खड़े रहता था डिड यू एवर इमेजिन कि एक साल में दो करोड़ रफी मर्चेंट दो लाख भी मुश्किल था मतलब पूरे साल में ऐसा हो गया था बीस हज़ार रफली दस हज़ार पंद्रह में आता था तो दो लाख से अभी यू नो अप टू टू करोड़ पहुँच गया आर के केवल रमानी

सर वहाँ शायद नहीं देंगे ये ऐसा है वैसा लेकिन मैं बिंदास बोल देता हूँ भाई आप मुसलमान हो आपको वहाँ नहीं मिलेगा ये सोसाइटी में ये सोसाइटी में मिलेगा अरे ये तो गलत है ना रफीक ये तो गलत है अपने को नहीं मिलता है उधर इसमें कोई गलत नहीं है मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूँ बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टूगेदर आई गॉट अ रोल इन कैमियो इन राना नायडू टू प्ले एज अ रियल्टर एंड प्ले माई सेल्फ In today's episode of The Real Deal, I'll be talking to arguably Mumbai's most popular broker influencer, a person who moved from selling fitness memberships to selling homes, Rafiq Merchant. Welcome to the show, Rafiq. Thank you so much. It's a privilege. So thank you, Rafiq, for coming on The Real Deal. Tell me something. How does a person who was earlier in the business uh, of selling fitness memberships in gyms become an influencer broker? What's the journey like? कैसे हुआ जॉबलेसनेस और रिडनसी और नो इनकम नो मनी एंड फैमिली टू लुक आफ्टर तो क्या था कि फिटनेस मेंबरशिप बेचते बेचते एक दिन सडनली इतना बड़ा जिम था कि वो बंद हो गया अंधेरी वेस्ट में सडनली बंद हो गया तो अभी हमारा ऐसा तो नहीं है कि फादर का बिजनेस है ये है वो है कुछ नहीं है नथिंग और जो रोज कमाना रोज खाना वैसा वाला हिसाब था तो इमीजिएटली इनकम बंद हो गया तो एक्सपेंसिस है, 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 तो अभी एक ही चीज है हम लोग कोई को रिटेल शॉप तो नहीं खोल सकता भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए इतना बड़ा या तो कोई बड़ा यू नो लाइक कारोबार खोल लो तो एक ही चीज थी जो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो वो है रियल स्टेट लेकिन सबसे बड़ा वो है टाइम इन्वेस्टमेंट है उसमें लेकिन चलो आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ता है और उसको सजाना नहीं पड़ता है रिटेल स्टोर में तो कोई चॉइस नहीं था विशाल इसीलिए करना पड़ा लेकिन फॉर्चुनेट था कि मैं ये फोर्ट था कि यू नो ये जंप हुआ और लगा भी नहीं था कि ऐसी जर्नी होगी और बहुत फ्लॉप था उसमें भी लेकिन ऐसा सक्सेस मिलेगा मुझे नहीं मालूम था विशाल कुछ करने के लिए नहीं था तो मैंने सोचा चलो रे रेसिप कर दे और रस्ते से चालू किया स्ट्रीट से चालू किया स्ट्रीट पे खड़े रहते थे बारिश में खड़े रहता था और धूप में खड़े रहता था रोड पे सात बंगला में लुखंड वाला ने सब ब्रोकर खड़े रहते थे बाइक पे बैठ के वहां खड़े रह के हासन करते थे हासन हासलिंग फॉर बिजनेस एंड सीकिंग फॉर क्लाइंट्स एंड सोर्सिंग फॉर अपार्टमेंट्स तो बहुत टफ जर्नी थी और वह टफ टाइम था मेरा और uh, वो टफ टाइम अभी गुजर चुका है 2011 से लेकर अठारह तक इट वॉज वेरी वेरी टफ एंड फिर रियल इस्टेट भी इजी नहीं है इट इज ऑल्सो इंडी गिव्स यू लॉर्ड ऑफ चैलेंजेस तो नाउ फॉर्चुनेटली आई एम एट ईज

अपना प्रेजेंट कर सको और मुझे मुझे मालूम भी नहीं था मेरे में टैलेंट क्या है मुझे बस यही था कि मेरे को कैसे भी करके पैसा कमाना डील करना चाहिए विशाल डील करने में बहुत टाइम लगता है पीजी क्लाइंट भी आता था ना तो आता था लेता था नेक्स्ट मंथ डील क्लोज होती थी उसके बाद वो ब्रोकरिंग बनती थी उसमें भी है ना एक दो ब्रोकर तीन ब्रोकर वन बी एच के रेंटर्न डील में भी दो ब्रोकर तीन ब्रोकर तो तीस हजार की डील थी तो तीस हजार रुपये बट बट के दस हजार आता था एक को तो उसमें ना बहुत टफ था तो उसमें अपने अपने आप पे फोकस करने का टाइम नहीं था कि मेरे पास क्या है लिंक दो में ऐसा हुआ कि सब फोटोज़ और वीडियोज़ मांगते थे फोटोज़ भेजो वीडियोज़ भेजो और ऑर्डनरी फ़ोन था अपना एकदम ऑर्डनरी एकदम सिंपल फ़ोन था तो उसमें फ़ोटो और वीडियो ले लेके कितना स्टोर करेंगे तो मैंने सोचा यार यूट्यूब है एक प्लेटफॉर्म है चलो उस पर फोटो वीडियो लेते वीडियो डाल देते और वीडियो भेज देंगे तो मैंने वही वही नीयत से शुरू किया वही इंटेंशन था कि भाई मैं डिलीट कर दूंगा गैलरी में से सब और वो लिंक्स भेजते रहूँगा कि भाई चलो मेरे को तो रात सुकून कि भाई मेरा फ़ोन फुल नहीं हो रहा है लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार वीडियो लेते हैं और उसके साथ बात भी करते मैंने बातचीत करना शुरू किया और ये मतलब ऐसा हो गया कि एक अचानक वो यू you नो know, मतलब फोन आने लग गए तो ये लगा नहीं था विशाल के सोशल मीडिया ऐसा है कि भाई मुझे उससे फोन भी आएंगे फोन आने लग गए फिर बायर्स के फोन आने लग गए बाद में मैं रेंट एन डील ही करता था मतलब सेल डील तो कभी सोचा भी नहीं था ओनर्स के भी फोन आ गए कि भाई मुझे भी अपना फ्लैट रेंट पे देना है मुझे भी अपना फ्लैट बेचना है तो दो से स्टेपिंग स्टोन था ये सोशल मीडिया तभी कुछ मानू में नहीं था क्या है सोशल मीडिया और फिर बाद में 2018 से जो जर्नी शुरू हुई 2020 तक और बाद में इंस्टाग्राम आया और इंस्टाग्राम ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरा तो आई वाज द फर्स्ट वन वनफॉर्चुनेटली टू स्टार्ट दैट वे टू प्रेजेंट प्रॉपर्टीज एंड फर्स्ट वन टू बी रेकग्नाइज आल्सो 2020 में पीपल रेकग्नाइज मी एंड दे बिन्स्ड ऑन माई वीडियोज इन कोविड टाइम्स I think during COVID time was just when Rafiq version became popular, which is "I love dialogue. Yeah, that's when whichever location you used to go to, you still say that, right? Yeah, yeah. Okay, so tell me, you said one part about the struggle being there and you knew English, and huh. but then you said that uh, you put out videos online because you wanted to protect the data storage of your phone. Ha. Huh. So yes. videos on social media became because of. Not yes, that's what it is. Because, दो हजार अठारह में ना ऐसा था ही नहीं छोटी भाई पहले क्या था दो हजार के पहले आप फोन करो ना सर मेरे पास ये फ्लैट अवेलेबल है ठीक है मैं आ रहा हूँ ठीक है मैं आ रहा हूँ तो वो आ जाते थे दिखाते थे तो फोटो वीडियो की भी जरूरत नहीं पड़ती थी दो हजार अठारह से जब मार्केट ने मांगना चालू किया तब हम लोग ने अपने आप को एक्सीडेंटली रेवोल्यूशनाइज किया ओके इट वाज एन एक्सीडेंटल सक्सेस एंड जर्नी सक्सेस जर्नी ओके वाज इट एवर अ फेज दैट व्हेन यू व्हेन यू गॉट इट टू ब्रोकिंग वेर यू थॉट की दिस इज अ रॉन्ग फील्ड। तो मैंने ना किया लेकिन ना बाद में इतनी इनकम नहीं होती थी और आई वाज ऑलवेज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली कोई अपनी एफडी में कुछ नहीं यू नो सेविंग्स में और पैसे खत्म हो जाके रहे तो

बहुत स्ट्रगल किया जॉब्स देखा लेकिन जॉब्स मिल ही नहीं रहे थे मतलब बहुत मुश्किल से कोई एक जॉब मिला होगा लेकिन उसमें भी मतलब दैट वाज लाइक यू नो टोटली ड्यूबियस तो मैंने छोड़ दिया फिर मैंने बोला चलो लेट्स गेट बैक टू इट क्योंकि वहां भी चॉइस नहीं थी वहां कुछ मिला ही नहीं मुझे चलो लेट्स गेट बैक टू दिस तो कि okay, बॉल की तरह बाउंस हो रहा था यहां से वहां चलो वापस रियल स्टेट में आ जाओ क्योंकि और तो कुछ है नहीं और कोई हेल्प नहीं कोई मदद नहीं कुछ नहीं तो रियल इस्टेट में फिर वादे दोबारा काम चालू किया फिर दोबारा मैंने ट्राई किया लेकिन डील नहीं होती थी पता नहीं वो अभी नसीब थी या क्या था तो उसके बाद वापस मैंने विशाल मैंने सोचा छः आठ महीने बाद नहीं यार पैसे खत्म हो गए एक स्टेबल जॉब मिल जाएगा तो हर महीने पैसा आया दोबारा ट्राई किया मैंने तो तो तभी सक्सेस नहीं मिला मुझे मुझे जॉब्स नहीं मिला एक कहीं डेवलपर के पास मिला लेकिन दैट वाज दैट डेवलपर वाज ऑन द डिक्लाइन ऑलरेडी यू नो काफी उनका वो ट्वाइलाइट में चल रहे थे तो मैंने मैंने पूछा एक्स स्टाफ को तो, तो बोले रफीक डोंट ज्वाइन क्योंकि यहां हम लोग को काफी टाइम से सैलरी मिली नहीं तो मैंने दोबारा वापस आ गया रियल इस्टेट में वही मतलब हैवी हार्ट के साथ एंड दोबारा स्ट्रगल शुरू किया वो फिर दो तक चला फिर दो ईयर इन दैट ट्वेंटी

और यू नो माय वाइफ माय यू नो किन्स व यू नो वेरी यू नो वेरी स्मॉल एज इज सो माय वाइफ वाज आल्सो वेरी डिस्ट्रेस तो लेकिन उसने भी सबर के साथ काम लिया एंड देन uh, मतलब मेरा ना वो फाइनेंशियल फेज बहुत बुरा था हर महीने बहुत बुरा था तो आपको यकीन नहीं होगा मैंने उधार भी मांगने की कोशिश की थी और uh, मुझे मिला नहीं था उधार तो भाई मेरे को घर चलाने के लिए पैसे चाहिए लेकिन किसी ने दिया नहीं था चलो अच्छा हुआ नहीं दिया था ताकि फिर मैं खुद स्ट्रगल करते रहूँ फ़ाइट करते रहो और फिर बाद में यू नो ऊपर वाले की तरफ से मदद आती है तो मतलब 2000 हज़ार विशन दो और से अठारह अच्छा तक ना वही फेस था डाउन ही फेस था और पूरा टाइम स्ट्रगल ही था और स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ही थे लेकिन अभी क्या था वो कर्म थे या क्या थे तो वो चेंज हो गया अठारने वन सो ये ट्वेंटी इलेवन टू एटीन स्ट्रगल उसके बाद अपवर्ड राइट नाउ आई थिंक योर प्रॉब्लम पिक ऑफ गेम या आई मीन डूइंग वेटी वेल सो यू नो गेटिंग अ लॉर्ड ऑफ source of revenue also and you know doing pretty well to be honest everything is fine okay so let's let's go to the second part of your life हाँ huh. uh, you are a would you consider yourself a broker influencer or influencer broker broker influencer a broker who accidentally became an influencer because वो करते करते के अभी विशाल मालूम नहीं था कि वीडियो बनाते बनाते एक दिन डेवलपर का भी फोन आएगा कि भाई आपके वीडियो है ना हम चाहते हैं हमारे प्रोजेक्ट का भी आप वीडियो बनाओ और हम लोग कोलैब करेंगे और हम आपको पे भी करेंगे तो वो मेरे लिए एक आई ओपनर था मैं तो अभी तो ब्रोकरेज पे ही निर्भर था तो मैंने बोला वाओ अमेजिंग तो मेरा शुरू में दो तीन एक डेवलपर से हुआ और वो कोलैबोरेशन तभी 2021 में बहुत नया चीज था मतलब था ही नहीं रियल एस्टेट कोलैबोरेशन की बात करूं टेक इन्फ्लुएंसर तो मैंने वो दौर शुरू किया मैंने वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जैसे मैं कह सकता हूँ उस मामले में वो शुरू किया मैंने और वो गेम चेंजर था वो एक मैंने पाए किया कि एक्सीडेंटली एक हुआ है मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कोलेब्रेशन किया एंड देन उनके पेज पे भी आना और मेरे पेज पे भी आना तो इट रियली गेम एन अपॉर्चुनिटी टू डू मार्केटिंग अपार्ट फ्रॉम सेल्स सो तो मैं अभी तक के मेरा फोकस यही है कि ब्रोकरेज में जो पैसा आता है वो कहीं नहीं आता है लेकिन अभी मैं मार्केटिंग भी कर रहा हूँ और मार्केटिंग में भी रियल इस्टेट में मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो इट्स अ फैंटास्टिक तो नाउ इट हैज सेट प्रेसिडेंट टू फॉर अदर इन्फ्लुएंस ऑल्सो एंड यू नो दे देवरी एवरीबॉडी स्टार्टड कमिंग अप एंड यू अपरी बॉडी स्टार्ट गेटिंग कोलेबोरेशन एज वेल सो विशाल बहुत सारे इन्फ्लुंसर आते हैं जो रियल स्टेट के वो मुझे बोलते रफीक मैंने आपको देख के चालू किया या मैं आपको देखता था और मैं आपसे इंस्पायर हुआ हूँ I think for it Instagram, I think you were the original, right? You were the original influencer, right? Yes, I... yes, yes. So, okay, now you know one, one question. Whenever I see your video, I was seeing uh, yesterday your video when you showcased a hundred and fifty crore home at Carter Road in Bandra. Hmm. Which is such a bad Ha. Do people who actually have that sort of money do they re, do transactional materialize of such scale via Instagram? Aisa hota hai?

मैं चाहता हूं कि ये रफीक मोचन का टैलेंट नहीं है ये कोई भी अगर करेगा ना सोशल मीडिया पर अपने आप को प्रेजेंट करेगा या अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेगा उसको आज ऐसा जमाना आ गया है कि पहले स्टार्स को और क्रिकेटर्स को हम दूर से देखते थे दे या फोटो में देखते थे दे या तो फिर बस वो देखते थे लेकिन आज स्टार्स बॉलीवुड स्टार्स दे कॉल यू दैट दे वांट देट देग्राम वाया इंस्टाग्राम डी एम आता है बॉलीवुड स्टार्स क्रिकेट कॉमेंटेटर्स है वेरी वेरी पॉपुलर यू नो नेम्स सो आई मीन यकीन नहीं होता अरे वाह ये लोग फोन कर रहेगरीज ऑल टॉप नॉच एक्ट्रेस सो देो विद टॉप नॉर्मल एंड यू नो आई बिल सर्विंगार्टमेंट ऑफ देर एंड सोल्ड अपार्टमेंट्स तो इतना नॉर्मल हो गया है लेकिन विशाल यह मैं अपने आप को श्रेय नहीं दूंगा ये एक सोशल मीडिया में श्रेय दूंगा कि ये सोशल मीडिया है अगर आप देख रहे हो ये चीज तो आप रियलिस्टेट ही नहीं आपका कोई भी प्रोडक्ट होगा आप अपने सोशल मीडिया पे डालो कंसिस्टेंटली डालो देखो उसका एक मार्केट है उसके बायर्स भी हैं उसका एक एक डिमांड भी है सो so बेसिकली वो जो कन्वेंशनल व्यू है हा कि इंस्टाग्राम इज गुड ओनली फॉर सर्टन टिकट साइज घर के यूर सिंगट नॉ टू इवन हंड करोड़ टू हंड्रेड करोड़ थ्री करोड़ ये उसके लिए भी बायर्स है अभी लोग मुझे बोलता रहे ये थोड़ी को रील देखते हैं अरे अगर कोई डेढ़ सौ करोड़ वाला नहीं दिखता तो उसका सेक्रेटरी देख रहा है उसका मैनेजर देख रहा है आप मिस आउट कर करे वो अपॉर्चुनिटी और लेकिन विशाल वो जो रील पे मुझे ट्रोल भी बहुत हुआ है बहुत गाली पड़ी है उसमें खुद वो बंदे ने मुझे गाली दी है लेकिन मैंने एक स्माइल ही दी है लाफिंग ट्रोल सीरियसली यू एंजॉय नहीं नहीं आई रियली एंजॉय इट देखो अभी हम वो एज में आ गए कि हम लोग तो एंजॉय करते चलो यार हमें कोई गाली भी दे रहा है तो शुक्रिया उसका यार आप मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हो यार वरना मैं तो बिल्कुल जीरो था यार क्या क्या बोलते हैं मालूम आपको अबे टकले चुप <laughs> अबे क्रिंज क्या क्रिंज बात करता है यार अरे कहाँ से लाता है इंग्लिश वर्ड्स ये सब क्या है तो मतलब मेरे बहुत खतरनाक ट्रोल करते हैं मुझे बोलते हैं यार ये तेरा मतलब ये गाना गाने की स्टाइल है या क्या बोलने की स्टाइल है यू नो ऑल दैट सो मच लेकिन Yeah, they, uh, I mean, I really enjoy. You have to take it positively. You have to take the bouquets with the big bats as well. You know what I mean? We yeah, are at that age, can we respond to them? And we should just throw love at them, you know what I mean? Because they are commenting. You so thank you so much. Yeah, you said you've uh, worked with celebrities mm -hmm. and uh, cricketers. Are cricketers and actors easy to deal with as clients? Uh, in most people who deal with them, say it's tough.

You know, it's, uh, it becomes sometimes challenging, you know, to, um, get the brokerage, you know, what I mean, uh, I tough Are there cases, are cases where, where you've provided a service, but then Bollywood guys think I'm the king or queen of the world? Yeh toh mere peechay aayega. Haan, I mean, you know, boht maangna padta hai, boht peechay padna padta hai, ke bhai brokerage aur uh, boht mere, um, uh, areas, you say, right? Uh, matlab, uh, you know, I have to receive money also. or देर इज़ अटन बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऑल्सो जिसने मतलब मैंने डील करवाया और मुझे ब्लॉक कर दिया है चारों तरफ से मैंने रजिस्टर करवाया मैंने सब करवाया बोले नहीं मुझे तो नुकसान हो गया मैंने खरीदा था और बेचा उसमें नुकसान हो गया तो मतलब वो एक्सक्यूज नहीं है अमीन I ब्रोकर mean, ने आपको दिखाया है और आपका काम करवाया रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसका व्यू बनता है वन परसेंट ब्रोकरेज रीसेल की बात कर रहा हूँ मैं तो डिवेलपर से आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आते लेकिन ये रिसेंट में बहुत हो रहा है आजकल मुझे फोन भी आते हैं मेरे मुझे बहुत सारे ब्रोकर्स फोन करते रफीक भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया मेरे ब्रोकरेज नहीं मिली ये नहीं मिला वो नहीं मिला आई मीन आर आर देक पीस लेकिन हम लोग क्या है कि सबको सर्व करते सबको हेल्प uh, करते हैं लेकिन क्या है कि जब uh, जिस चीज के लिए काम करते ब्रोकरेज ही अटक जाती है विशाल तो हमारा दर्द उससे ही चलता नहीं आया तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई कहीं भी लात मारो कहीं भी मारो मत लात मारो है कौन पेट है वो आप नुश के नहीं करते

कि भाई ये नहीं वो नहीं ऐसा किया वैसा किया पेपर में ऐसा किया ये मिस्टेक किया वो मिस्टेक किया तो देखो मिस मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ यू नो हम लोग सीख रहे हैं और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और हम लोग साथ में एज अ टीम वर्क देखो ब्रोकर है तो ना खाली ऐसा नहीं कि आप ब्रोकर को काम जा आप टीम वर्क कर रहे हो कि भाई ये है बैक एंड फोर्थ अग्रीमेंट जा रहा है वगैरह वगैरह तो अचानक चेंज हो जाना ना वो थोड़ा तटीर देता है कि भाई अब आप इसीलिए चेंज हुए कि अभी अभी हमारा पेमेंट का टाइम आ गया अभी हमारे ब्रोकरेज का टाइम आ गया है यार अभी तक के तो सब सही था मैंने घर दिखाया घर दिलाया रजिस्टर कराया तो अभी तक तो सब सही था यार अभी आप एकदम यू बदल गए अभी आप मतलब आप मतलब बेवफा हो गए अभी आप <laughs> नहीं उठा रहे आपने ब्लॉक कर दिया मतलब आप आप सनम सनम, अच्छा, सनम आप तो यार आप तो सनम बेवफा हो गए सिंगल बिगेस्ट इंडिविजुअल ब्रोकरेज बैक बाई नाइट ऐसा लेकिन मतलब एक ने तो बोला पेमेंट दूंगा ही नहीं यू नो तो मेरा नुकसान हो गया जैसे मैंने अभी ये टॉपिक टच किया था मैंने सब करवाया मैंने आपको खरीद के दिया कि भाई ये है एक डिवेलपर से अभी आप वो फ्लैट रेंट पे भी मेरे थ्रू चढ़ा रहे हो उसके बाद आप बोल रहे नही अब रफी कभी मेरे को बेचना है तो मैंने आपको बेच के भी दिया वायर भी ढूंढ के दिया आप आते हो खुशी खुशी रजिस्ट्रेशन में भी आप आते हो खुशी खुशी मीटिंग करने में, में फाइनल करते हो थैंक यू थैंक यू करके जाते हो उसके बाद आप फोन नहीं उठाते हो उसके बाद ब्लॉक कर देते हो तो so, एक बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी है जो बिग बॉस में आए हुए है लेकिन मैं नाम नहीं लूँ मैं अभी यहां पर प्लेटफॉर्म पे यू कैन शेयर क्योंकि <laughs> शायद सॉल्व हो जाए अगर मैं कुछ और जरिए से मैं ट्राई करूँ तो यू नोट आई मीन विशाल वरना ये हमेशा ये 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 एपिसोड में ना चलता रहेगा री रन होगा तो नाम आते रहेगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि यू नो वो सुधर जाए यू नो लाइक वो मुझे दे दे मेरा तो और भी और एक सेलिब्रिटी के साथ भी काम चालू है लेकिन क्या है कि वो सब काम हो गया अभी यू नो एक्टिंग टफ एंड स्टफ लाइक दैट तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक तो क्या होता है वन परसेंट से वो लोग बोलते हैं आधा टका नोमा देखो आपको फोन करेंगे ना कि रफी मेरे को फ्लैट चाहिए लेकिन मैं तेरे से लूंगा तो एक ही शर्त लूंगा जीरो पॉइंट फाइव परसेंट मैं तेरे से देखूंगा तो ठीक है वो डिसाइड कर लेको आपने देख लिया सब कर लिया मीटिंग आपने नंबर एक्सचेंज कर लिया उसके बाद आप बोलते हो कि मैं जीरो पॉइंट फाइव परसेंट दूंगा उसके बाद भी मेरे को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है कि आप मेरे को मतलब बोल रहे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ आप नए नए बहाने निकालते हो कि रजिस्ट्रेशन एजेंट को भी मैं साथ में लेता हूँ कौन कॉल पर तो बात कराता हूँ लेकिन आप मुझे दस बहाने देते हो तो बहुत तकलीफ होती है अगर मेरे से ब्रोकर के साथ ये हाल है तो विशाल दूसरे ब्रोकर का तो बहुत बुरा अन एक्चुअली एक तरफ से आप लोग बोलते हैं मतलब सब लोग बोलते हैं कि ब्रोकरेज इंडस्ट्री

broker I got a role uh, in a cameo in uh, Rana Naidu to play as a realtor and play myself and uh, I didn't know that I had to mouth uh, very nice interesting dialogues when I had to show him the house and I'm showing him the house and the kitchen as well and uh, I'm telling him uh, the young bachelor guy aaj ta, akal geeta, seeta, and platform be itna choda. so it was like uh, I you know did it with a uh, straight face but uh, it you know evoked a lot of laughter. How how was that experience getting the role? They they wanted you. Yeah, so basically they wanted that was a realtor's role and they wanted somebody who was famous. And uh, they said, you know, rafiq who better than you to be cast in that movie as a cameo and then I play myself and then yeah. you know that's how it moves. So tell me rafiq uh now is probably Mumbai's uh top influencer broker. Uh that influencing एज मच एजीफ रीड अबाउट ऑफकोर्स इंफ्लुसिंग में जैसे मैंने बताया कि जब डिवेलपर्स ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया और बोले कि रफीक वी वॉन्ट यू टू मेक द सेम का रीसेल अपार्टमेंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट तो मैंने पिच करना शुरू किया कि मैं इतना चार्ज करूंगा फिर मैंने अपना प्राइसिस बढ़ा दिया पहले मैं फिफ्टी थाउजेंड शुरू किया था फिफ्टी थाउजेंड बाद में लैक पे आया बाद में देन i started saying 2 lakhs then i started saying uh, and then i get i got paid so that means there is immense demand and there's uh, no supply at all and uh, then i started asking for 3 lakhs for uh, just the really. and I, I started getting paid and then i started getting asked from uh, bangalore then gujarat

अप्रोच करेगा क्योंकि बहुत सारे इन्वेंट्रीज है बेचने के लिए बहुत सारे डेवलपर्स है लेकिन इन्फ्लुएंसर रियल स्टेट इन्फ्लुएंसर है ही नहीं तो आपको मैं इजीली कहना चाहूंगा कि जितना ब्रोकरेज कमा रहा हूं उतना मेरे को अच्छे से मतलब इन्फ्लुएंसिंग में भी पैसा आ रहा है सो हाउ मच वुड यू बी मेकिंग ऑन एन एनुअल बेसिस फ्रॉम बोथ इन्फ्लुएंसर एंड ब्रोकिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आराम से मुझे महीने का आठ लाख रुपया आ जाता है कोलेबोरेशन विद डिफरेंट डिवेलपर्स

Did, did you ever imagine कि एक साल में दो करोड़ दो लाख भी, भी मुश्किल था मतलब पहुंच गया and, you know, lots lots और बहुत काम है तो आई कैन इजिली रीच अप टू ट्वेंटी सी आर पर ईयर इन अब ईयर ओके आपने कहा कि, A lot of scope for influencer activity, but a huh. vacuum is supply. Need. One thing I'm noticing in the last one year is that there are many influencers who do pretty much the activity that you used to do in yeah. 2021. Yeah. Uh, most don't have that one staple dialogue. Just say you have your I love huh. Mumbai, I love Kurla, Jordar, Zabardar. Jordar, yes. hmm. Do you think this influencer industry, this direction we are in, What do you you see happening in the next three to five? Will this change change? change? a lot? the 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 model change? Will the scope of presentation In just imagine the future of influencer marketing अगले तीन पांच साल में और क्या विशाल मैं ये बोलूंगा इट इज स्टिल अभी उभर रहा है अभी शुरू हुआ है अभी इवॉल्व होना शुरू हुआ है मतलब अभी तक के पूरी तरह टैप नहीं हुआ है अभी मैं आपको बोलूँ वन परसेंट डेवलपर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज कर रहे हैं बाकी नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द डिवेलपर्स इन इंडिया दे आर नॉट डूइंग इट दे आर नॉट यूजिंग इट मेरी काफी डिवेलपर से बात होती है मैं मार्केटिंग टीम से बात करता हूँ और मैं सामने से कोल्ड कॉलिंग भी करता हूँ कि वाई डोंट यू गेट द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डन क्योंकि देखो मेरे को एक तरफ से बिजनेस आ रहा है लेकिन मैं किसी को इनकरेज भी कर रहा हूं कि आप मार्केटिंग का इतना पैसा है आपके पास तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराओ ना अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराओगे दो लाख तीन लाख रील का कोलैप कराओगे तो दैट इज इक्वल टू आई मीन ट एड इतना आपका इम्पैक्ट होगा तो मैं खुद बोलता हूं और वो बोल और कितनों को तो आइडिया ही नहीं अच्छा ऐसा कराना है क्योंकि मैं कुछ क्रेडाई में को में गया हूं और हर डिवेलपर और बिल्डर के स्टॉल पे अप्रोच किया हूं मैंने बोला कि आपने करा है नहीं हमने नहीं करा आपने कराया नहीं हमने खाली प्रो खाली छोटे मोटे वीडियो मार्केटिंग बनाए बस वही है जो फ्लोट हो रहे हैं बस मैंने बोला बाकायदा आप करवाओ कोई अच्छे इंफ्लुसर से सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझसे करवाओ कोई भी इन्फ्लुएंसर से करवाओ रियलिस्टिक इन्फ्लुएंसर से और आप देखो आपका इम्पैक्ट तो उनको नॉलेज ही नहीं है अवेयरनेस ही नहीं है तो बहुत सुपर इंडस्ट्री आई मीन यू नो यू आर द बेस्ट पर्सन टू कैलकुलेट इसका क्या मतलब इनकम जनरेट होगा यू नो नोट आई मीन द काइंड ऑफ इयरली स्टाफ यू नो बिकॉज अभी तो आठ दस या छः आठ ही इन्फ्लुएंस है रियल स्टेट अगर वो छो चार सौ छः सौ आ जाए या चालीस पचास भी इन्फ्लुएंसर आ जाए और वो 400-600 बिल्डर्स का मार्केटिंग करें तो आप देख सकते तो हो एक अलग इंडस्ट्री होगी और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज विशाल फोन करती है लेकिन दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग समटाइम्स यू नो वॉट टू डू हाउ टू पेच वेयर टू हू टू अप्रोच ये सब क्वेश्चन आते हैं उनको भी और मुझे इन्फ्लुएंसर एजेंसी मुझे पूछती है रफीक यू थिंक यू कैन रेकमेंड एनी बडी आई रेकमेंड ऑल द इन्फ्लुएंसर्स उनके नाम नंबर मैं खुद दे देता हूँ विदाउट एनी ईगो विदाउट एनी इनिबिशन के ये लोग You know, कामयाब हो सब लोग सक्सेसफुल हो तो यू नो एजेंसीज को भी नहीं मानो विशाल के कितने है रियर सेट में तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है और बहुत गजब इंडस्ट्री होने वाली है गजब इंडस्ट्री ओके आपने कहा कि न्यूज मंथ बैक आर केवल रमानी हाडपोड विद डेलपर चांडक ऑन नॉट बीजेडरी हर किसी को ये टेस्ट लेना ताकि एक ब्रोकर उभर के आता है और एक क्वालिफाई हो जाता है यू आर अ hmm. you know, A broker who's been taught how to do deals हाउ टू डू and ethically एथिकली टू डू डील्स एंड यू आर also अकाउंटेबल तो बहुत फर्क पड़ जाता है एक एरा रजिस्टर्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिडेंसिव वाले ब्रोकर में और एक नॉर्मल ब्रोकर में जिसने वो सब नहीं किया है तो बहुत अहमकाना हरकत थी मतलब बहुत फुलिशनेस था वो जो रियल स्टेट इंफ्लुंसर ने यू नो चांडक जैसे एस्टीम्ड और क्लीन Or uh, you know, high profile uh, developer Joe, he's known for paying before time, channel developers hmm. and they have such a clean record. So both uh, bewokufana thi wo, wo influencer ki Jana or you know, shooting himself in the foot by him not taking a certificate of competency and then crying hoarse about it, you know. Whereas everyone else is, you know, busy, all the other brokers are busy vying for those exams and taking those training. एंड देन कमिंग अप विद एन एक्सक्यूज के भाई मेरे पास टाइम नहीं है संडे को मेरी फैमिली है इफ़ यू आर सच एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन देन यू शुड इन्फ्लुएंस अदर ब्रोकर्स एंड सेट अ प्रेसिडेंट कि भाई सबको लेना जरूरी है मैं यही करते आया हूँ मैं एडवोकेट करते आया हूँ कि भाई सबको एग्जाम लेना जरूरी है आज नहीं तो कल कंपल्सरी होगा और आपको फिर ब्रोकरेज नहीं मिलेगी आज तक रहा बोल रहा था ले लो ले लो एग्जाम तो आप सीरियसली नहीं ले रहे थे जब बोलने में आया कि ब्रोकरेज आपकी रुका दी जाएगी तब आप सीरियसली ले रहे हो तो ये बहुत ही मतलब Bachkana both Boti Nadan, and then uh, you know Topla he set a uh, you know very bad example for everybody else. You should be a leader if you think you are, and if you are an influencer of that sort, then you should wear the crown on your head. So because one thing I noticed after that is when then Rera came out with that clarification mm. that brokers have to mm. get that competence huh? yeah. and builders can withhold the brokerage without it, Haan. and that's when I realized that many brokers went on complete overdrive Haan. against that episode. I think Haan. until then they were neutral, Haan. because I think brokerage, tha brokers. Broker, right? Right. Without the certificate, also. right? After that, Rera made it very clear if the builder does CUC, no, then no, he will get the certificate. Competition will not So that influencer, uh, you know, he antagonized the developer lobby also against him, and he antagonized all the brokers also against him.

You know stuff like that, so everyone is lining up and queuing up. Maharara has come up with that, so you should support that. You know when, what I mean? When did you give the competencies? Or Last year, after uh, the uh, controversy broke up. No, no, before, way before that. Because exam then ke liye bhi time lagta hai. You know, exam aati hai do-three months and training hota hai. So, kafi uska lamba procedure So, Maharara has been uh, saying that for the long time. You know, more than two years, I think, Okay. Now, you know, I'm coming to slightly. Uh, कंटेस पार्ट ऑफ हा मुंबई हाउसिंग मार्केट द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट इन मुंबई हाउसिंग मार्केट इज दैट रिलीजन मैटर्स हाँ दींग ब्रोकर फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी है संबंध आई क्यों एबसोल्यूटली नॉट बल्कि आई मेट एन एडवांटेज बिकॉज यू नो मेरे को मुस्लिम बायर्स के फोन आते हैं और मैं बोलता हूँ भाई आप मैं आप खुल्ला खुल्ला बोल सकता हूँ देखो मेरे नॉन मुस्लिम यू नो ब्रोकर्स मेरे जो फेलो ब्रोकर्स है वो हिचकिचाते हैं कि नहीं यार सर वहाँ शायद नहीं देंगे ऐसा है वैसा लेकिन मैं बिंदास बोल देता हूँ भाई आप मुसलमान हो आपको वहाँ नहीं मिलेगा ये सोसाइटी में ये सोसाइटी में मिलेगा वो सोसाइटी में मत जाओ क्योंकि मुझे सारी नॉलेज है अरे वहाँ क्यों नहीं मिलेगा अरे वो मिलना चाहिए यार अपना तो ऐसा सिस्टम तो नहीं है सब जगह ऐसे देखो आप अभी आए हो आप शायद पाँच साल में फर्स्ट टाइम आए हो या तीन साल में फर्स्ट टाइम आए हो मैं रोज़ घर दिखाता हूँ अरे ये तो गलत है ना रफीक ये तो गलत है अपने को नहीं मिलता है उधर इसमें कोई गलत नहीं है मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूँ बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर अभी वो मारवाड़ी कम्युनिटी है गुजराती कम्युनिटी है दे सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर दे हैव एवरीथिंग इन दैट सोसाइटी एंड देन देन यू नो एंडी एल्स मुस्लिम फैमिलीज से कभी वक्र हो गई क्या हो गया तो ज़रूरी नहीं हर फेस्टिवल में हम मिक्स हो क्योंकि किसी को हर्ट हो जाए किसी की कि कि सेंसिबिलिटी हर्ट हो जाए कि कि तो हम लोग को एग्जिस्ट करते हैं हारमोनियसली हमारी सोसाइटी में हर कोई रिलीजन लेकिन जरूरी नहीं है विशाल के हमको साथ में ये सामने एक दूसरे के सामने रहना है आप दूसरी बिल्डिंग में रहो चाहे हम दूसरी बिल्डिंग में रहें तो उसका मतलब ये नहीं है कि घेटोआइजेशन है हम घेटो में नहीं है यू नोट आई मीन तो मुस्लिम शुड स्टॉप थिंकिंग के ये विक्टिमाइजेशन है या यू नो थिंकिंग लाइक मैं विक्टिम हो कि मैं हमको फ्लैट नहीं मिल रहा है नो no प्रॉब्लम आपको फ्लैट मिल रहा है लेकिन दूसरी सोसाइटी में मिल रहा है जहां लाइक माइंडेड पीपल यू नो आप हमेशा ये बोलते हो ना विशाल के लाइक माइंडेड होने होने चाहिए लोग लाइक तो यू थिंक अबाउट दैट बिकॉज क्योंकि हम रिलीजन ओपनली सेलिब्रेट करते हैं एक होता है ना कि रिलीजन घर में सेलिब्रेट करते हैं बाहर नहीं मालूम पड़ता है जैसे दुबई में मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा रहेगा इंडिया में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ओपनली सेलिब्रेट करते हैं सब करते हैं यू नो सब बाहर दूसरे घर में जाते हैं मिठाई देते ये देते वो देते तो, तो हमें एक दूसरे का ख्याल ऐसे ही रखना है कि नहीं कोई बात नहीं आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमारे बाजू में आने से तो हम कहीं और ले लेते ले कोई इश्यू नहीं है हम काम तो कर ही रहे एक दूसरे के साथ बिजनेस तो कर ही रहे जरूरी नहीं एक दूसरे के सामने रहना जरूरी यू नो ट्रू फेयर पॉइंट फेयर पॉइंट सो डू यू नोटिस दैट देयर इज अ स्ट्रगल इवन फॉर मुस्लिम्स हु आर सेलिब्रिटीज डू दे आल्सो हैव टफ ए यू डू बाइंग सेलिंग एंड यू इट फॉर सेलिब्रिटीज मुस्लिम सेलिब्रिटीज एक बहुत टॉप लिस्टर एलिस्ट एक्ट्रेस का भी फोन आया था यू नो आई वांट इन दैट सोसाइटी नहीं देंगे देखो तो, ये you know, ऐसा हैिविंग टू मुस्लिम वेदर यू सेलिब्रिटी वेदर यू कॉपरेट देर्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टूगेदर दे वॉन्ट एवरी वॉन्ट द सेम कम्युनिटी सेम लाइक माइंडेड यू नो सफ लाइक दैट सो

भाई या देंगे या नहीं देंगे उसमें डिप्लोमेटिक होने की जरूरत ही नहीं है और उसमें बुरा लगाने की जरूरत नहीं है उसमें होने की जरूरत नहीं उसमें ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है उसमें कोई रेसिज्म नहीं है उसमें कोई बायस नहीं है आज हम दोनों भी बैठे हुए हैं ना कोई फर्क है क्या नहीं फर्क नहीं है लेकिन जरूरी ना हम दोनों आपके एक दूसरे के सामने रहे हैं बिकॉज यू नो मैं बकरा ईद में बकरा ना आपको तो नहीं पसंद आएगा ओके फिर सो बेसिकली इन योर व्यू Uh, when you counsel these buyers, do they take it positively? I make sure everybody My takes question. positively. I'm a professional. I explain it to them professionally. And I have to tell them, this is what it is. This is not, you know, you can't get it. You know, you've come to a brand. You're speaking to a brand. If you can't trust me, if you can't listen to me, then there's nobody else on top of me who will you, who will you listen to. That means you have your bias, you have your ego. But if you have to advice professional, that a brand, देन यू हैव टू लिसन टू मी बिकॉज आई नो इन एन नाउट अबाउट एवरीथिंग एंड जितनों को मैंने घर दिया है ना वो बरकती हुआ है और यू नो मेरे हाथों से और यू नो देप्पी दे ऑल वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि हमारी नीयत से हम घर देते हैं, और, हैं, जिन्ञेण जिन्ञेण हैं gonna, तो एक ब्रोकर अपना किसी को घर दिखाते दिलाता है वो ऐसी नीयत से दिखाना चाहिए दिलाना चाहिए जैसे खुद को चाहिए उसको घर तो वो नीयत से अगर आप करोगे ना काम तो आपका काम आसान हो जाएगा और वो सी थ्रू होता है मतलब आप मुझे फोन करके मैं आपको समझाऊँगा

प्राइमरी में क्या होता है प्राइमरी uh, में स्ट्रगल का है मन में बेचने का स्ट्रगल है क्योंकि ऑलरेडी द बायर नोज अबाउट एवरी डिवेलपर एवरी अंडर कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन लेकिन एक बार डील हो जाती है तो बहुत ईजी है क्योंकि वहां का सीआर एम है वहां का सोर्सिंग है वो आपको हर चीज में हेल्प करता है पेपर वर्क वगैरह में लेकिन रीसेल में है ना बहुत बढ़िया मार्केट है क्योंकि तो बायर ने वो रीसेल नहीं देखा है बायर आते हैं हमेशा रीसेल देखने एवरी बायर विशाल विल कॉल यू फॉर अ रीसेल अपार्टमेंट नो बडी आई गेट थाउजेंड कॉल्स इन अ मंथ नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन पीपल मी फॉर अपार्टमेंट रेडी टू मूव एन अपार मेरे को अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाना भी नहीं और बोलना भी नहीं एंड दो सेम पीपल गो एड एंड बायर कंस्ट्रक्शन वो कैसे इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन इट्स अबाउट टेकिंग दम देखो कितने ब्रोकर का पॉलिट ये है क्यों दिखाते नहीं है जो दिखता है वो बिकता है अगर आप उसको अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाओगे आप पाँच करोड़ की चीज़ ले रहे हो दस करोड़ की चीज़ ले रहे हो आप लोग मत देखो तो सही चार चीज़ मैंने आपको दो रीसेल दिखाए पुरानी बिल्डिंग में दो नया देख लो तीन साल रुकना पड़ेगा चार साल रुकना पड़ेगा मेरे को रुकना ही यार एक बार देख लो कंपेरिजन कर लो कंपेरेटिव एनालिसिस कर लो एक बार वो देखते हैं उनको प्रेजेंटेशन समझ में आता है वो बोलते हैं येस प्लान बनने लगता है उनका क्योंकि बिल्डर का प्रेजेंटेशन ट्रमेंडस होता है और बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का होता है रीसेल में क्या होता है ब्रोकर खुद जाता है दिखाने वो करता है लेकिन वो एक हिडन चीज है रीसेल के वो मार्केट में ओपन नहीं है और सेकेंडली रेडी टू मूव इन है लेकिन क्या है कि बायर को आपको दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना डिसएडवांटेज तो कुछ भी नहीं है बायर को बस ये बताना है कि यू नो कि ये ऐसा है और ये ऐसा है बट यू मस्ट कम एंड सी एवरीथिंग सो बेचली ओपन इज आई टू ऑल ऑप्शन ऑल ऑप्शन तो क्या होगा बायर का एडवांटेज है अगर बायर खुद बोलेगा नहीं मेरे को एक दो चीजें दिखाओ तो आपको उनको बोलना है कि आप एक काम करो और दो चीज देखो मेरी तरफ से और फिर आप डिसीजन लो डिसीजन बायर का ही होगा कोई भी उसके ऊपर इन्फोर्स और थ्रस्ट नहीं कर सकता है कि तुम यही लो नहीं हाँ पूछेगा कि क्या लेना चाहिए तो हम बता सकते हैं ओके मी एज अ ब्रोकर व्हाट्स द दफेस्ट थिंग और द वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग अ ब्रोकर हम जिसके लिए काम करते हैं विशाल वही चीज हमको नहीं मिलती है ब्रोकरेज रीसेल की बात करो रीसेल में बायर और सेलर का काम हो जाता है फिर बाद में बोलते हैं अरे ये इतनी ब्रोकरेज नहीं वन परसेंट ब्रोकरेज नहीं इतनी ले लो और फिर बाद में डीले ब्रोकरेज हो जाती है तो जो ब्रोकर को मिलता है वो हाथ में लेना पड़ता है कि चलो करना पड़ेगा भाई भागते भूत क्यों यू you नो know, चोटली भली तो एक बात ये है और ऊपर से ब्रोकरेज मिलती भी नहीं है रीसेल में कितने लोग मेरे ब्रोकर फ्रेंड्स के फोन आए कि भाई ये ब्रोकरेज खा गया वो ब्रोकरेज खा गया सेकेंडली मैंने एक बहुत अच्छी फैमिली है रेप्यूटेड फैमिली की डील करवाया था शोबो में एक लिस्टेड डिवेलपर के साथ दो फ्लैट करवाया था और सब हो गया मीटिंग हो गया इंस्पेक्शन हो गया एवरीथिंग फा, प्राइस फाइनल हो गया उन्होंने पूरा ले लिया के प्राइस बेनिफिट सब ले लिया फिर बाद में मुझे डिवेलपर से फोन आता है थोड़े दिन बाद कि भाई उनका मेल आया बायर का कि आई डोंट वांट रफी मर्चेंट टू बी इन द डील आई वांट समबडी एल्स टू बी इन द डील तो मैंने बोला क्यों बोला वो किक बैक दे रहा है दो परसेंट वो ब्रोकर को मिल रहा है उसमें से एक पर्सेंट वो बायर को दे रहा है हाउ अनफेयर हाउ अनफेयर दैट इज यू नो आई मीन एक चीज ये है यू नो लाइक यू कॉन्ट एथिक्स को आप वो करके आप नहीं कर सकते हो दोनों की गलती हुआ ब्रोकर और बायर की तो ऐसा होता है किकबैक किकबैक इज अ वर्स्ट थिंग एंड द डिवेलपर ऑल्सो शुड रिफ्रेम फ्रॉम दिस और डिवेलपर को ये ख्याल रखना चाहिए कि भाई किसी के थ्रू आया है किसी के थ्रू मीटिंग हुई है टैगिंग हुई है तो मैं उसी को दूंगा तो डेवलपर को भी एक एडवाइज है मेरी तरफ से कि अगर आपको है ना वो बिजनेस को टू ट्वेंटी टू हंड्रेड एक्स करना है ना वो उसको टैगिंग दो लंबा टैगिंग दो तीन महीने का टैगिंग मत दो लंबा टैगिंग दो एक टैगिंग का बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि तीन महीने का टैगिंग देते हो डील तीन महीने से ज्यादा चलती है और डिवेलपर ये बोलता है कि तुम दोबारा रीविजिट कराओ तो तुम्हारी टैगिंग कंटिन्यू करेंगे वरना नहीं करेंगे ओपन गेम हो जाएगा तो ये गलत बात है मैं चाहता हूँ एक साल की टैगिंग हो दो साल की टैगिंग हो क्योंकि भाई वो एक साल के बाद भी आएगा दो साल के बाद भी आएगा तो चैनल पार्टनर ब्रोकर तो मेहनत कर रहा है तुम्हारे बच्चों तो महीने तक थोड़ी मतलब तुम वैलिड रखोगे और बाद में क्या होता है कि वो किकबैक मिलता है ये मिलता है वो मिलता है तो हमारा कॉम्पिटिशन जिसके पास हम लेके जा रहे हैं वही डिवेलपर हो जाता है तो फिर uh, मतलब हर तरफ से हमारे को वार मिल रहा है यू नो आई मीन सो इन योर व्यू वन ऑफ द थिंग्स इज दैट टुडे आई थिंक रेपुटेशन ऑफ ब्रोकर्स इज ब्रोकर why do you think people perceive brokers in such light and what do you think can be the way forward for this perception about brokers to change most important reasons why people you know perceive them as very low because clients, uh, some brokers they don't know how to read write or you know, speak English or you know comprehend तो बेसिकली इंटेंशन भी नहीं होता लेकिन कुछ बोलेंगे और करेंगे कुछ और लेकिन क्या है कि उसी बेसिस पे आप उसको यू नो यू नो लो क्लास नहीं समझ सकते हो क्योंकि मैं जब इंग्लिश बात करता हूँ मैं कुछ करता हूँ यू नो इंग्लिश में यू नो फ्लुएंटली बात करता हूँ कॉम्प्रिह करता हूँ एंड एक्सप्लेन करता हूँ तो आप मुझे सीरियसली लेते हो और अच्छा मानते हो तो वो गलत बात है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और ऑन द बेसिस ऑफ वूएं बहुत सारी चीज़ ये कंप्लेन है कि भाई वो उनको पढ़े लिखे नहीं है ब्रोकर नो पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो पढ़े लिखे होते तो आप ब्रोकर नहीं होते कुछ और होते तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जो एक नॉर्मल ब्रोकर साधारण ऑर्डनरी ब्रोकर चैनल पार्टनर भी आपको एक अच्छा फ्लैट दिखा रहा है तो आपको ना बड़े पिक्चर यू फोकस ऑन द बिग पिक्चर कि भाई वो फ्लैट दिखा रहा है आप ब्रोकर को मत देखो क्या दिखा रहा है देखो क्योंकि आपके लायक की चीज़ दिखा रहा है और देखो आपको जैसे दिखा रहा है आप नंबर एक्सचेंज कर रहे हो ना डिवेलपर के साथ नंबर एक्सचेंज कर रहे हो और रीसेल में भी आप आपको जैसे दिखा रहा है मीटिंग करवा रहा है तो नंबर एक्सचेंज कर रहे हो तो उसमें ब्रोकर कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता है अगर वो नंबर एक्सचेंज ही नहीं होता पूरा डील ब्रोकर करता है तो आप शक करो लेकिन आपका नंबर एक्सचेंज हो रहा है आप बायर से डायरेक्ट सेलर से डायरेक्ट बात कर रहे हो डिवेलपर से डायरेक्ट बात कर रहे हो तो उसमें ब्रोकर विनर नहीं है ब्रोकर का लागू आपको देना पड़ेगा खलास ओके okay. आर एंड यू आर्ट दॉइट ऑफ व्यू दायर पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी सिंपल कि बस ब्रोकर स्पेशली वन इज दट कॉमन लिस्टिंग वाला चीज है गाइड एज अ कॉल द ब्रोकर से इसकी वो मार्क चले गया पर एक लाख बीस हजार का कुछ है टू दे फील दैट देव कॉन्ट्रीब्यूटेड वेरी लिटिल डिइड जस्ट टेकिंग मैन शोइंग इम द फ्लैट फॉर दैट वन परसेंट बिकॉज़ देखो हमारे पास सब फ्लैट नहीं होते हमारे पास सब फ्लैट डायरेक्ट भी नहीं होते और uh, कितने ब्रोकर के पास फ्लैट होते है जो बड़े ब्रोकर होते हैं उनको फोन करते नो तो, you know, वो बताते नहीं है डिटेल्स नहीं बताते हमारा ब्रोकर ब्रोकर वो डिटेल्स नहीं बताते है. तो हम लोग को मजबूरन हमारा घर चलाने के लिए और लीज लाने के लिए हम लोग को लिस्टिंग करना पड़ता है और लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपको हम आपको मिसलीड नहीं करेंगे भाई ये देखो ये था नहीं है आपको और चीज दिखाने के लिए तैयार है ना हम तो आप वैसे भी कहीं और जाओगे तो चार चीज तो देखोगे तो कोई बात नहीं अगर वो नहीं अवेलेबल है तो कुछ और दिखा दो तो यू you नो know, बायर को थोड़ा इतना अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए कि वो बहुत सारे लिमिटेशंस के साथ गुजर रहा है ब्रोकर और सेकेंडली कंट्रीब्यूट करने की क्या जरूरत है मतलब देखो अगर आप रीसेल में किसी को दिखाते हो फ्लैट चार फ्लैट दिखा उसने अपने काफ़ी यू नो मेहनत की वो सब अक्यूमलेट करने के लिए और यू नो प्रोफेशन में रहने के लिए और वो सब फ्लैट्स को दिखाने के लिए और सेकेंडली जैसे आपकी डील होती है मीटिंग होती है जो भी होता है आपका तो एक्सचेंज हो गया नंबर ऑलरेडी अभी आप आप अभी नेक्स्ट स्टॉप नेक्स्ट ये है कि एम बनता है रजिस्ट्रेशन के लिए आ, प्रोसेस चालू होता है तो रजिस्ट्रेशन एजेंट आ जाता है बीच में जिस जो अलग पेपर वर्क बनाता है सब करता है प्रोफेशनली वो एडिट करता है ड्राफ्ट बनाता है दोनों पार्टीज को भेजता है और हर गली हर नुक्कड़ में हर जगह आपको रजिस्ट्रेशन एजेंट मिलेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो जो रजिस्ट्रेशन एजेंट ला रहा है ब्रोकर उसी के थ्रू करो आप कोई भी रजिस्ट्रेशन एजेंट तो सबका अलग अलग रोल है तो आप बोलोगे ब्रोकर ही पिन टूर एरोप्लेन सब करे वो रहेगा आपके साथ और हेल्प भी करेगा लेकिन अभी उससे ज़्यादा आपको क्या करे पैर दबाए हाथ दबाए क्या ओके okay, सो so, आपकी राय में द वन थिंग दैट दैट ब्रोकर्स शुड डू डू दे डोंट करेंटली अपग्रेड के लिए आपको हर वक्त टच में रहना है आपको हर वक्त कॉन्स्टेंटली uh, उनके साथ प्रोएक्टिवली फोन करना है मैसेज करना है डील होने के बाद टोकन होने के बाद भी और यू नो कंटिन्यूसली ऑन टॉप ऑफ द गेम एंड यू हैव टू थिंक कि उसको अभी क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है इमिजिएटली उसको फराहम करना है इन दूसरी पार्टी को इसको, इसको, उसका मैसेज इसको अगर आप सही कबूतर बन गए ना इसका मैसेज उसको उसका मैसेज को तो आप कामयाब हो गए सेगमेंट वेरी इनसिक्योर हाँ उनको हर तरफ से मार पड़ती है ना हर तरफ से बिकॉज जो फ्लैट उनके पास रहता है वो किसी और ब्रोकर को बताएंगे तो यू नो वो निकल जाएगा वो बायर भी मुझे पूछता है अगर आज आज ही एक इंसिडेंट हुआ कि बायर ने मुझे मैसेज किया रफी किया बिल्डिंग में मैंने कौन सी लोकेलिटी है मैंने बोला मॉडल टाउन में अच्छा कौन सी बिल्डिंग है मैंने गलत बिल्डिंग बताया क्योंकि वो सही बिल्डिंग बताता तो तो मालूम पड़ जाता क्योंकि वहाँ आठ ही फ्लैट है चार माले की बिल्डिंग में आठ ही फ्लैट है तो वॉचमैन को पूछेगा कहां आते हैं सब देखने तो मैं मैं भी छुपाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे मैं तो आपको दिखा रहा हूं ना तो आपको ब्रोकर देने कभी मतलब आप ब्रोकर को हायर कर रहे हो तो आपका इंटेंशन सही रहेगा तो सब काम सही होगा इज इट ट्रू देट ब्रोकर विद इन द रीसेल बिल्डिंग सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी वॉचमैन आई बेसिकली मैं टरी बोलता है मेरा हिस्सा लगेगा हमें वो देना तो ही मैं तेरा काम करूंगा वॉचमैन भी बोलता है साहब वॉचमैन का हम बनता है उसको तो देना ही चाहिए लेकिन अभी क्या सेक्रेटरी चेयरमैन भी उठ के आ जाते हैं लोग और फुकरे होते वो मतलब यू नो उनको चाहिए वो सब दूसरे के उसमें प्रोफेशन में टांग अड़ाते हम तो आपके प्रोफेशन में नहीं आते आपका कोई हक नहीं बनता हम वॉचमैन को देंगे लेकिन तुम्हारे को नहीं देंगे सेक्रेटरी चेयरमैन को, को तो 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 कोई हक नहीं लगता है तुम प्रोफेशनल बन जाओ ब्रोकर तो हम तुम्हारे साथ काम करेंगे तुम्हारे को को साइड किच देवे या तो कुछ साइड का देवे यू नो तो उनका लागू नहीं होना चाहिए उसको देना भी नहीं चाहिए लेकिन क्या होता है कि अगर हमारी गर्दन उनके हाथ में आ जाए तो करना पड़ता है वट इज द फ्यूचर ऑफिंग देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख देते हो अकाउंटेबिलिटी देते हो तो पावर भी दो तो अगर आ, मतलब अथॉरिटी भी दो हमको मतलब महारेरा में आ, ये भी कवर होना चाहिए ब्रोकरेज का भी कि भाई हमारे को ब्रोकरेज डिले नहीं होने चाहिए कोई डिवलपर से चेस नहीं करना पड़े सेकेंडली रीसेल ट्रांजेक्शन को भी आप उसके एम्बिट में लेकर आओ तो क्या होगा आप इक्वल ट्रीट करोगे ब्रोकरस को भी तो क्या होगा ये इंडस्ट्री और अच्छी हो जाएगी ऑर्गेनाइज हो जाएगी और आप आप बायर्स और सेलर्स की और डिवेलपर्स की सारी कंपनी ख़त्म हो जाएंगी आप खाली पॉइंट आउट ही करोगे और आप, हमको पावर नहीं दोगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कुछ नहीं होगा ना भाई हम तो विक्टिम में हैं और विक्टिम ही रहेंगे ऐसा हो जाए ना फिर तो आप हमको थोड़ा भी इज्जत नहीं दोगे और मान सम्मान नहीं दोगे और पावर नहीं दोगे और इक्वल ट्रीट नहीं करोगे तो फिर बाद में दिस विल कीप सफरिंग सफरिंग अ ऑफ टाइम एंड ये suffering क्या होगा बाद में सेल्स पे हिट करेगा एंड ऑफ द डे आप ये बोलते हो कि हमारी सप्लाई बढ़ गई हमारा बिक नहीं रहा ये नहीं बोल रहे ब्रोकर्स एट्टी परसेंट और बिजनेस ब्रोकर्स लाते हर डिवेलपर के पास तो आप ब्रोकर्स का ख्याल क्यों नहीं रखते हो आप ब्रोकर्स को लंबा टैगिंग दो और अभी आप यू नो दिशाल द इंडस्ट्रीज लाइक टू टू पॉइंट फाइव थ्री परसेंट तो मेरे को लगता है ये

में बात करता है और हिंदी भी मतलब यू नो वेरी टूटी फूटी है उसमें एक बहुत बड़ी सुपरस्टार की डील करवाया सौ करोड़ की डील करवाया उसने तो मैं बोलता हूँ उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और एक अच्छे नीज ब्रोकर को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए तो अगर आप एज ए सबको सेम ब्रोकरेज दोगे कि भाई मैं दूंगा मेरा काम है देना ब्रोकरेज तो खाली लेके आ क्लाइंट को तो उसमें क्या होगा जितनी भी सप्लाई वो कम हो जाएगी और यू नो डेवलपर का सेल अच्छा हो जाएगा और ये मार्केट और रोबस्ट हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ग्रेट साइकिल पर आपको लगता है कि वील सी ब्रोकरेज रेट्स गोइंग फ्रॉम पॉइंट टू फाइव परसेंट टू सेवन एट परसेंट अभी देखो लैडर के हिसाब से देते हैं लेकिन लैडर इज रियली ट्रिकी मतलब उतना तीन चार डील करो उसके बाद साढ़े तीन टका छः डील करो तो उतना बहुत वो लंबा मतलब वो इनफैक्ट ना के बराबर है यू शुड स्टार्ट गिविंग फाइव परसेंट स्ट्रेट अवे तो मैं मानूँ कि चलो वेरी गुड यार आर यू वॉन्ट टू शेयर योर प्रॉफिट्स विद द ब्रोकर यू नो एंड देन मूव ऑन एन यू बिल्ड मोर यू नो डिवेलपमेंट्स तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको यू नो बेचना है एंड देन यू नो यू नॉट मेकिंग अ लॉस कहीं आप लॉस कर नहीं करो लेकिन कहीं आप कमाओगे नहीं तो इक्विलिब्रियम में भी काम करोगे और आगे आपको दस जगह काम मिल जाएगा नो ओके एंड मुंबई स्पॉट हाँ नॉट सीन मुंबई रियल स्टेट एज अ सिटी इन द फेस दैट करेंटलीपमेंट ऑफ सप्लाई वॉट डज दैट मीन फॉर द मार्केट नेक्स्ट बी स्ट्रॉन्ग वी विल बी स्टडी

But so the demand is amazing if you give quality product as a developer it is superb or of Nam Julia is a quality told or with if you're not getting a great amount of profit no problem you just sell with quality and uh, you take channel partners along with you and uh, the market is looking very promising and uh, very strong ahead and the uh, supply they should be more you know and they're struggling to sell. They should be more introspective and start making move and start aggressively uh, doing uh, influencer marketing, as well as uh, teaming up with all the channel partners and increasing their brokerage ladders as well. So it's a win-win situation for everyone. Market is looking realistic Market is looking amazing. It's tremendous. It's got uh, lots of scope and growth, and uh, uh, it will be the um, uh, breadwinner for everyone. Do you see a big difference in demand between new properties and old properties? द प्राइसिंग के जो पुरानी बिल्डिंग है स्टैंड लोन वर्स नई बिल्डिंग आई यू सींग बिग डिफरेंस हाँ कस्टमर बिहेवियर है न, या सो द कस्टमर्स आर प्रिफरिंग न्यू बिल्डिंग न्यू कंस्ट्रक्शन रेडी टू मूव इन आर टी एम आई इंस्टेड ऑफ द री सेल क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो रीडेवलपमेंट तो में जाएगा फिर मेरे को वापस मूव करना पड़ेगा इससे जो मैं आर टी एम आई क्या है न्यू क्वालिटी न्यू कंस्ट्रक्शन अनटचड अनयूज ये सब लोग देख रहे हैं और

Any particular type of builders that you think will struggle going forward in the next two to three years? What should buyers be careful of, basically? Now, market has concept builders See, it has to be RERA reg registered, first of all. RERA registered. Hai. And then uh, they have had a history of uh, developments. They have And uh, that's about it. I don't think the uh, buyer, uh, you know, now the players are such that. Uh, वो बहुत क्वालिफाई हो चुके हैं महारेरा के नीचे तो सारे प्लेयर्स जो डेवलपर्स हैं वो दे गुड बट स्टिल बायर कैन बी यू नो गो फॉर ब्रांड्स दे कैन गो फॉर ब्रांड्स इट्स इजी ब्रांड्स थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा लेकिन यू नो इफ दे वांट टू बी सेफ ग्रेड अगर ब्रांड्स नहीं भी है लेकिन पुरानी डेवलपमेंट्स है बैकिंग है पुरानी हिस्ट्री है तो दे कैन गो फॉर इट एब्सोल्युटली आज आजकल कोई भी वैसा नहीं है कि भाई इससे वेरी रहना है या इससे केयरफुल रहना है ऑल गुड और uh, कोई भी बच के जा नहीं सकता महाराणा की आंखों ओके ऑन बैट टी लर्न दिस सेगमेंट आई हेव स्पेशगमेंट फॉर यू इट्स सिंपल स्ट्रेट फॉर क्वेश्चन सेल्फ सुपर ओकेट्स माइंड वेन आई से ब्रोकर फ्रेंड कॉम्रेड व्हाट्स अ फर्स्ट वर्ड इट कम्स टू ये से बिल्डर अ होम गिवर Who is the best builder in Mumbai or India according to you? Lota. What's the first word that comes to your mind when I say Oberoi? Brand. Godrej? Trust. Hirandani? Legacy. Lota. Innovation. In case if Rafiq was to buy a home in Mumbai today, where would he buy? Bandra. I love Bandra. In case if Rafiq was to advise a home buyer to buy a home for investment in MMR, where would he recommend? Navi Mumbai. What next for Rafiq Merchant? growth and uh, uh, motivating others and taking everyone along uh, together for a greater success journey okay on that philosophical note uh, rafik thank you for coming on the real team and all the best going forward thank you so much thank you vishal